लेफ्ट घूम जाता है और कभी बहुत जगह राइट घूम जाता है, ठीक ठीक से नहीं घूमता। देखो एक ये बड़ा भगवान शंकराचार्य जी के जीवन में मुझे बड़ा ये प्रभावित की कि जो परफेक्ट आइडियोलॉजी है, जो एकदम परफेक्शन के साथ आदर्श स्थापित किया, ऐसी परफेक्ट आइडियोलॉजी जो उन्होंने एस्टेब्लिश की संन्यास की, अगर ठीक ठीक से उस पर चले तो मुझे नहीं लगता। अब मैं इन महात्मा से मिल रहा था, कुछ कह रहा था, हालांकि ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है और अभिमान भी हो सकता है, बिल्कुल अभिमान हो सकता है, लेकिन भाव था तो मैंने कह दिया था। मैंने कहा ये इतना कोई लंबा चौड़ा काम है? अरे जो सदा प्राप्त है वो प्राप्त नहीं होता, इतना लंबा चौड़ा काम है तो अगर कहीं कुछ नहीं बात बन रही है तो उसका मतलब ये है कि जरूर हम कहीं ना कहीं वो स्टेप्स भूल गए, वो फिलोसफी भूल गए, वो चीजें भूल गए, उन तरफ हमारा ध्यान नहीं है जो भगवान शंकराचार्य जी ने कह दी है, उस तरफ हमारा ध्यान हट गया है वहां से। नहीं तो ये इतना बड़ा नहीं है, 5-10 साल क्या है, तुमने उपनिषदों के लिए संस्कृत पढ़ ली, उपनिषद नहीं पढ़ ली, एक उपनिषद पढ़ ली ठीक से तो हमें जम जाएगी, लेकिन वो जो स्टेप्स हैं हमारे वो हमने फॉलो नहीं किए तो 50 उपनिषद भी काम उतना नहीं कर पाती कई बार। और संन्यास की मर्यादा कितनी सुंदर उन्होंने ली कि सभी जानते हैं इस बात को, मैं क्या कहूँ, सभी विद्वान लोग बैठे हैं कि संन्यास की ऐसी चिंतन मात्र भी उन्होंने नहीं किया, शरीर बदला, दूसरा शरीर राजा का लिया, तब उन्होंने जो प्रश्न उनसे किया था काम की कितनी कलाएं हैं, और काम ये दो प्रश्न थे, काम की कितनी कलाएं हैं ऐसे कुछ प्रश्न था, और जो अमावस्या की तरफ को जो बढ़ते हैं और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तरफ जो बढ़ते हैं तो मन पर काम का किस प्रकार प्रभाव पड़ता चला जाता है, स्टेप बाई स्टेप आप एक्सप्लेन करो, ऐसा प्रश्न मंडल विष्णुपति ने किया था। शरीर बदला, दूसरे शरीर में गए, उस शरीर से उन्होंने चिंतन भी नहीं करना चाहा। अब ऐसी जो आइडियोलॉजी उन्होंने फिक्स की और ऐसी जो कि अगर हमारे जीवन में वो पालन करने का है तो मुझे नहीं लगता कि भगवान शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत वेदांत की जो स्थापना की उसको ठीक ठीक जान लेने में हमें कोई कठिनाई था। मैं सभी महापुरुषों के चरणों में भगवान की जय। शांति रापा शांति लोका
वधयः शान्तिः वर्षपतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। बोलो जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। हमारे बीच में परमानंदीय परम सद्गुरु श्री स्वामी गोविंदनाथ तीर्थ जी महाराज हुए हैं। आज की इस विद्युत संगोष्ठी की अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं, उनके चरणों बार बार वंदन नमन हम करेंगे। और हमारे अनेक महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, उनको भी बार बार वंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय श्री शिव स्वरूप जी महाराज बहुत देर से आए हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आकर के 10 मिनट में अपने भाव आचार्य श्री के चरणों में व्यक्त करें। शंकराचार्यं केशवप्रातरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के वेदों का खंडन किया था। तो वो सामयिक था, उस समय खंडन करना जरूरी था। खंडन करके उन्होंने वेदों से वेद देश के लोगों की आस्था को हटा दिया था। नारायण देखो उनका एक श्लोक जो भगवान पतंजलि है उनके के लिखा हुआ अपना भाष्य है, उसमें हमने पढ़ा था। कई एक नागेश ने कोई अपनी टिप्पणी में लिखा था किस प्रकार से खंडन किया था। उन्होंने एक बात कही थी राजाओं के समक्ष में जो यज्ञ करते थे और यज्ञ में हिंसा करते थे, जो ये सुरा पीते थे, उनसे एक बात कही थी कि ये
यदि सुला पीने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो जो मद्यप होता है, मदिरा पीने वाला व्यक्ति होता है, जो मदिरालय में जाता है और उसमें लाल घड़ाओं में भरी हुई मदिरा लबादा तो होती है और उसमें वो स्वेच्छा से पीता है, इस यज्ञ में तो बंधन होता है, इतनी ही लेनी है। वहाँ मदिरालय में कोई बंधन नहीं होता है जो मदिरा पीते हैं। तो इतनी पी करके जब वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे तो क्या तुम थोड़ी सी सुआ पी करके स्वर्ग चले जाओगे? वो श्लोक ये है, यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महा पीतम न गमे स्वर्गम तरी किम केतु गतम नये, केतु गतम तुम नये। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, लोगों को यह शंका भी होती है कि वेदों का खंडन भगवान होकर के क्यों किया था? वो सामयिक था, खंडन जरूरी था। जब आस्था वेदों से हट गई लोगों की तो यहाँ पे न यज्ञ होते थे, न वेद अध्ययन होता था, ना नारायण मंदिर होते थे और न कोई वेद पाठ होते थे। पांच चीज़ें चली गई। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमारी भारतीय जो सनातन वैदिक संस्कृति थी उसका एक प्रकार से लोप ही हो गया। और भगवान बुद्ध तो वो राजा महाराजा थे, जब वो संन्यास ले लिया तो बड़े बड़े उनके राजा महाराजा शिष्य हुए, बड़ी बड़ी कुमारियाँ भी शिष्य हो गई। तो उनका प्रभाव समाज में पड़ा। यहाँ कोई भी मंदिर न था, नारायण बद्रीनाथ का मंदिर भी उन्हीं के दिग्विजय में लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ के मंदिर की प्रतिमा भी बौद्धों ने नारायण उठा करके अलग नंदा में डाल दी थी नारायण ने। तो भगवान फिर शंकर ही वैदिक सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए स्वयं शंकर का ही जन्म है। वो मैं आपसे निवेदन करूं कि ये सृष्टि की रचना किसने की है? परमात्मा की है। इसे सब स्वीकार करते हैं, परमात्मा ने की है। ये बात जरूर है कि किस प्रकार से परमात्मा ने की है इसमें मत मतांतर है। किसी ने परमाणु से, किसी ने भूगलों से, किसी ने असत से, किसी ने कर्म से, किसी ने कई प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं। भगवान शंकराचार्य का जो वैदिक सनातन सिद्धांत है वो भी आपको सबको मालूम है। तो मैं आपसे ये बात निवेदन करना चाहता था कि भगवान शंकर ने सोचा कि ये तो सब भ्रष्ट ही हो जाएंगे, ये सृष्टि में तो कुछ कोई कायदा ही न रहेगा, कोई कानून ही न होगा, मानव अपने उद्देश्य को प्राप्त ही न कर सकेगा। उनके मन में वेदना हुई तो भगवान शंकर ही शंकराचार्य के ऊपर केरल कालड़ी गाँव में जन्म लिया। तो नारायण है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, पर भगवान शंकराचार्य का जन्म न होता तो ये वैदिक सनातन संस्कृति आज तक लोप हो गई होती। हमारा जीवन भी आदिवासियों की तरह होता है। जैसे पाश्चात्य लोग हैं ना, वो आजकल बहुत विकसित माने जाते हैं नारायण नारायण, पर हम निवेदन करें कि उनको तो हाथ धोना भी नहीं आता। जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता बिल्ली है, उनको आचार संहिता कुछ नहीं होती, ना उनके ये कोई लागू नहीं होती। इसी प्रकार की संस्कृति यहाँ भी होती है। और धीरे धीरे महाराज हमारे जो नेता लोग हैं, जो समाज को आगे ले जाने वाले हैं, आप लोग हैं, विदेश गए तो वहाँ की संस्कृति बहुत रास आ गई आपको, क्योंकि गलत जो रास्ता होता है, जो पतंग का मार्ग होता है, वो व्यक्ति को बहुत जल्दी आशा लगता है। और जो उत्थान का, विकास का मार्ग होता है, जो आचरण आचार का होता है, जो चरित्र का मार्ग होता है, वो कम लोग समझते हैं। आज की तो स्थिति ऐसी है कि जबरदस्ती भी बच्चों से करो तो वो भी नारायण ने आपके मन को या आपके अज्ञान का पालन नहीं करेंगे, आपके मन को खुश नहीं करेंगे। उनके जो मन में आता है सो आ हो रहा है, कोई बंधन नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान शंकराचार्य ने जन्म लेकर के अभी पूरे भारत में भ्रमण किया
और उन्होंने फिर नारायण वैदिक धर्म की स्थापना की। ये बुद्ध, ये जो बद्रीनाथ का मंदिर है, इस मंदिर में मूर्ति नहीं थी। फिर भगवान शंकराचार्य आए, ध्यान करके देखा कि नारद कुंड में ये मूर्ति पड़ी हुई है। उन्होंने निकाल करके पुनः महाराज मंदिर में मूर्ति की स्थापना की और फिर नारायण जीर्णोद्धार किया। वहाँ सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं हिमाचल में जो अपने देखे हैं। काली मठ है भगवान शंकराचार्य का, ये नारायण केदार नारायण का मंदिर है, बद्रीनाथ है, और भी बहुत से नारायण मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज भी देखो एक प्रमाण के समय भगवान शंकराचार्य समाज को क्या दिया है, इसको समाज को नहीं मालूम है। ये तो महाराज हमारी आनंद वृंदावन में एक दिन कार्यक्रम हो जाता है तो थोड़ी बहुत संस्कार किसी को हो तो हो, नहीं तो ये मालूम नहीं कि समाज में कितना बड़ा उपकार भगवान शंकराचार्य ने किया हर संप्रदाय का। आज कोई संप्रदाय ही ना होता नारायण नारायण। तो फिर उन्होंने नारद कुंड से मूर्ति निकाल करके स्थापित की और फिर देखा कि इसे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा वैदिक पंडित नहीं है जिसका उच्चारण ठीक हो, जिसकी विधि ठीक हो, तो भगवान शंकराचार्य ने ऐसा समझ करके सोच करके दक्षिण से एक लिम्बोदरी नाम का ब्राह्मण जो आज भी उस परंपरा का ही मेन पुजारी बद्रीनाथ में नारायण नारायण। तो भला आप ये बताओ कि वो ना होते थे बद्रीनाथ ना होते जैसे जिसके आप दर्शन करने जाते हो, जिसके दर्शन से आप अपना जन्म कहते हो सफल हो गया, क्योंकि कोई चारों धाम नहीं गया। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जो पुराने लोग हैं, चार धाम जाने की बड़ी नारायण है महिमा है और प्रसिद्धि है। तो ये जो बद्रीनाथ हैं यहाँ भी चार धाम हैं, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। तो ये प्रमाण के रूप में आज भी। अच्छा एक और बात बताऊँ, भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया है और एक फैजाबाद के नारायण दास एक वैष्णव है शायद, नारायण पहले उनका नाम था, अब नारायण दास या और कुछ नाम है नारायण। तो भगवान शंकराचार्य के संबंध में एक वैष्णव महात्मा ने कोई बड़ी खरी खोटी लिखी है नारायण नारायण, वो पुस्तक हमारे पास है, किसी को देखना हो तो देख सकता है। तो वो वैष्णव महात्मा है उनका नाम लिखा हो उस पुस्तक में। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उन्होंने बड़ी खरी खोटी कही एक वैष्णव है महात्मा, वैष्णव महात्मा। अब यहाँ तो देखो भाई, ये तो आनंद वृंदावन है, आनंद कभी किसी का विरोध नहीं करता, यहाँ विरोध की बात तो होती नहीं। और मैं भी विरोध की बात नहीं कह रहा हूँ, आप शंकराचार्य की जन्म जयंती के संबंध में बोलने को कह रहे हैं तो वो मैं बता रहा हूँ, मैं भी विरोध की बात नहीं कह रहा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उन्होंने ये बात लिखी देवता अधिकरण की बात जब आई है, देवता अधिकरण सूत्र में, तो उसकी बात जब आई तो कुछ उन्होंने भगवान शंकराचार्य के संबंध में टिप्पणी की है। वो वैष्णव ने लिखा फैजाबाद, उसमें नारायण बहुत बुरी बड़ी भद्दी बातें कही उसको, जिसे टिप्पणी भगवान शंकराचार्य के भाषण में किया है। और ये बात कही है कि भगवान शंकराचार्य की युक्तियों को पढ़ करके मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, खींच जाता है। ऐसी ऐसी युक्तियाँ हैं वो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी युक्तियाँ हैं कि कोई आदमी आज तक न दिया है और न दे सकता नारायण नारायण। तो देखो हमारा यह सब बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकराचार्य के जन्म के प्रयोजन के संबंध में हमारी थोड़ी यहाँ से जानकारी हो जाती है। तो उनका प्रयोजन नारायण है सिर्फ यही था, जो वैदिक सनातन सिद्धांत है उसकी स्थापना, किस प्रकार से व्यक्ति को आचरण करना चाहिए अपने सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए, अपने सिद्धांत में स्थित होने के लिए किस प्रकार से आचरण करेंगे, और मेरे नारायण ने किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए और
सिद्धांत के संबंध में जो कहते हैं उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, उन्होंने तो पचासों का खंडन किया है। आप गीता में देखेंगे 18वां अध्याय में जो सुधर्म निधन से या ऐसे या और एक श्लोक है उसमें ऐसे खंडन किया है, सबका बौद्धों का खंडन किया है, मीमांसकों का खंडन किया है, सांघ का भी खंडन किया है, योग का भी खंडन किया, सबका खंडन किया। जो लोग ये सांघ वाले ना नारायण, हाँ ये तो बौद्ध है ना, बौद्ध या सत्य से सृष्टि मानते हैं ना, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, इसमें उन्होंने कहा कि कथम असत सजाए, असत से सत्य उत्पत्ति कैसे हो सकती है, कोई दृष्टांत भी होना चाहिए, कोई उदाहरण भी होना चाहिए, और उदाहरण न हो, दृष्टांत न हो, अनुभूति न हो, तो प्रमाण भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने वैदिक सनातन धर्म की स्थापना के लिए उसका परम सिद्धांत क्या है लास्ट में अपनी साधना की चरमावस्था क्या है और समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य किस में है, ये बात लिखी है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देखो खंडन उन्होंने तो महाराज सिंह ने तो देखो उन्होंने कहा कि आओ हमारे यहाँ भंडारा हो रहा है, तुम कुल्हड़ परसो, तुम पत्तल परसो, तुम पूरी परसो, तुम कचौड़ी, सबकी जरूरत है। और इसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत में भी सबकी जरूरत है। जो लोग बाहर के आत्मा को मान रहे हैं, जो लोग स्त्री को, जो लोग पुत्र को, जो लोग बेटी को, जो संबंधी को आत्मा मानते हैं, तो जिन लोगों ने ये कहा कि नहीं ये आत्मा नहीं हो सकते हैं, युक्तियों से उन्होंने समझाया, जो आपको सबको मालूम है आत्मा तो आप शरीर है, आत्मा शरीर को माना, फिर शरीर को कहते हैं कि भाई शरीर आत्मा नहीं हो सकता, ये तो जड़ है, फिर सर इंद्रिया के बिना शरीर तो मुर्दा है, तो इंद्रियों को भी मान लिया आत्मा, तो बोले ठीक है कि ये आत्मा शरीर नहीं हो सकता, इंद्रिया ही हो सकती है, फिर इंद्रियों को भी नहीं माना क्योंकि इंद्रियों मन के बिना उनकी कोई सत्ता नहीं होती है, उनका कोई कारण नहीं होता है, तो मन को माना, तो ये सोपानक्रम हो गया, मन को माना, बुद्धि को माना, मैं को माना, मैं के भावाभाव को जो साक्षी है, जो दृष्टा है, मेरे नारायण है, वही आत्मा है। और ये देखो निवेदन आपसे करूं, पूज्य महाराज श्री के भी पुस्तकों में मिल जाएगा आपको, एक अपरोक्षण भूति है, और जब उन्होंने ये बात कही है कि मैं का जो साक्षी है मैं के अभाव को, मैं के अभाव भाव का जो साक्षी है, जो दृष्टा है, वो तो अलग अलग है। आप अपरोक्षानुभूति में देख लीजिए, महाराज श्री ने ये बात कही है, वो अलग अलग है और सबको अनुभूत है, उसमें शास्त्र की जरूरत है। तो शास्त्र किस लिए है, तो उन्होंने कहा शास्त्र इसलिए है कि जो दृष्टा साक्षी है वही ब्रह्म है, इस आयत को बताने के लिए शास्त्र है ना, दृष्टा और साक्षी को बताने के लिए एक नहीं है। और जो विचार की शैली है, सरणी है, वो यही है कि मेरे नारायण ये शरीर के माध्यम से ही परमात्मा की अनुभूति होती है। तो भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत नहीं, श्रुति का सिद्धांत, गीता का सिद्धांत और महाराज ब्रह्मसूत्र का सिद्धांत यही है कि ये सृष्टि बिना हुए भास नारायण है, ये सृष्टि नारायण है, सृष्टि के रूप में परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, एक में उनके लिए। अब लोग जो कहते हैं, महाराज श्री ने भी बात कही कि जो लोग कहते हैं नहीं हम अलग हैं और परमात्मा अलग है, तो ये कौन सी बड़ी जानकारी वेदांत और वेद ने दे दिया, हम अलग हैं और परमात्मा अलग है, ये तो सभी कहते हैं, तो जो जान रहे हैं तो अनुवाद ही हुआ, ये तो कोई विधान कोई सिद्धांत तो नहीं हुआ, नहीं समझ में आई बात, ये तो अनुवाद हुआ, जो जान रहे हैं उसी को जनाया जा रहा है, शास्त्र उसी को ये कह रहा है कि तुम अलग हो, तुम अलग हो भेदवादियों के लिए। तो फिर नारायण है, इसमें वेदांत की क्या वेदांतता है, क्या विशेषता है, नारायण है जो ना समझे व्यक्ति, जिसका अनुमान से जिसका प्रत्यक्ष जिसका अनुमान ना हो सके,
उसको बतावे वेदांत, तुम तो वेदांत की वेदांतता है, जिसका अनुभव हो रहा है व्यक्ति को वही वेदांत बताता है, वो तो फिर अनुवाद हो गया। ये वेद में तीन प्रकार के वाक होते हैं, एक होता है अनुवाद, एक होता है भूता, एक होता है अनुवाद, एक होता है भूतानुवाद, भूतवाद अर्थवाद के संबंध में। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जैसे एक उदाहरण दिया है कि वायु पृष्ठा, वायु बड़े वेग से चलता है, तो ये कौन सी नई बात बता दिया तुमने, ये तो अनुवाद ही हुआ, ये तो सभी जानते हैं कि वायु का वेग अतुलनीय है। तो इसी प्रकार से यदि कोई ये बता रहा है कि तुम अलग हो हम अलग हो, तो ये कौन सी बड़ी भारी बात है, पर ये बात मालूम नहीं किसी को, जो दृष्टा है वह जो साक्षी है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, ये बात मालूम नहीं, ये दोनों का ऐक्य मालूम नहीं, इस ऐक्य को बताने के लिए वेदांत है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने शांतिपूर्ण श्रवण करते रहे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वेदांत का सिद्धांत नहीं, समस्त शास्त्र का सिद्धांत यही है, कर्म का भी यही पर्यवसान होता है, उपासना का भी यही पर्यवसान होता है, जितनी भी साधनाएं हैं, तीर्थ हैं, व्रत हैं, सबका पर्यवसान यही होता है कि परमात्मा ही है, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है, एक में वी है, सर्वम अभूत सर्वम खलिदम्यम नेनास्ति किंचन। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने वैदिक सिद्धांत की स्थापना की, और जो आचार और आचरण थे उसकी भी उन्होंने शिक्षा दी, और उनके साथ एक राजा रहता था नारायण नारायण, क्योंकि यहाँ तो लोग थोड़े से जरा ऐसे टाइप के होते हैं, तो उनके साथ एक राजा रहता था, वो शास्त्रार्थ में कपालिकों को, बौद्धों को, जैनों को, सब मतों को खंडन किया है, जो कहते हो कि नहीं उन्होंने किसी का खंडन नहीं, बिना खंडन किया तो अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है नारायण। बस इन्हीं सब सात पूज्य भगवान शंकराचार्य के चरणों में अपने वाक्य को पाचन को समर्पित करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हमारे आदरणीय श्री श्री स्वरूपाचार्य जी महाराज ने जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के सिद्धांत का बहुत विशद वर्णन किया, बार बार को वंदन। हमारे बीच में परमादरणीय दंडी स्वामी श्री स्वामी केवल्यानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी आकर के अपने भाव प्रचार करें। समय दस बाहर जो आए हुए व्यक्ति हैं सत्संगी, उनसे निवेदन है कि गोपाल भगवान के मंदिर में आ जाएँ, बड़े बड़े महापुरुष भगवान मनीषी यहाँ पधारे हुए हैं, आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती को उपलक्ष्य में अपने भाव और विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है, भागवत कथा शाम को श्रवण करेंगे, तो उसे पूर्व आनंद मिलें विद्युत संगोष्ठी का। जन्म हुआ उस समय
पूरे भारतवर्ष में शायद हिंदू नाम की कोई चीज नहीं थी। बौद्ध ईसाई पारसी क्या क्या थे, उन सबको साफ साफ में खड़ा करके वो सबको हिंदू बना लिया। पुराने जमाने में ऐसी पद्धति थी कि साथ साथ होता था और साथ साथ में जो हार जाता था उसे अपने प्रतिपक्षी का सिद्धांत ग्रहण करना पड़ता था, वो उसी धर्म में आ जाता था। इसीलिए जितने भी लोग थे वो सब एक तरह से आर्य कहिए या हिंदू कहिए तो बोले, और भगवान शंकराचार्य के अनुसार पंचदेव उपासक के नारे लिए। इस तरह से भगवान शंकराचार्य हमारे लिए परम पूज्य और एक तरह से हिंदू धर्म के संस्थापक के लिए माने जाते हैं। ऐसे भगवान शंकराचार्य के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें वो ऐसी शक्ति दिए कि भगवान शंकराचार्य के वचन बनाए हुए बताए हुए सिद्धांत का हम अपनी शक्ति से और उनकी कृपा से पूरा अपना पालन कर सकें। जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे आदरणीय स्वामी केवलानंद सरस्वती महाराज ने बहुत सुंदर संदेश दिया, आचार्य श्री के चरणों में अपने भाव स्मरण व्यक्त करते हुए कहा उनके सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में राम चैतन्य महाराज विराजमान हैं उनसे भी कि वो भी 8 मिनट में अपने भाव आदि शंकराचार्य भगवान के संबंध में प्रकाश करें। उन्होंने वेदों का खंडन किया,
सर्वविदिता है, सर्वमान भी है, मैंने ही उसी का दे दिया सर्व सत्व। लेकिन वही शंकराचार्य साधना पंचक में लिखते हैं, अभी आप सुन रहे थे महात्मा जी के द्वारा, सबसे पहला वाक्य है वेदो नित्यम अधीयता, ये पहली शिक्षा है। जबकि फर्स्ट एंड लास्ट बोले पहला वाक्य है साधना पंचक वेदो नित्यम अधीयता, हम लोगों के लिए ये शिक्षा दी गई और ये भी आज भी उतनी ही अनिवार्य है, उपयोगी है, आवश्यक है हम लोगों के कल्याण के लिए जितनी उस समय थी। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है सज्जन। वेद ही हमारे सनातन धर्म का परम प्रमाण ग्रंथ है। सरल शब्दों में जैसे ईसा जो ईसाई धर्म है वहाँ पर बाइबिल है, मुसलमानों के यहाँ कुरान शरीफ है। मैंने कहा तो मेरा मतलब इतना है कि जैसे जितने भी धर्मों के भेद आप सुनते हैं उनके यहाँ एक प्रमाण ग्रंथ है, तो वैसे ही हम लोगों को वैसे विदेशियों के द्वारा ये बहुत बड़ा आक्षेप किया जाता है कि इनके यहाँ कोई एक ग्रंथ नहीं, कोई एक पंथ नहीं, कोई एक देवता नहीं, बहुदेववादी हैं, ये सब विदेश से हम लोगों के ऊपर आक्षेप किया जाता है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी का अभी आप सुन रहे थे, समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त जो भी वेद शास्त्र है, इतिहास पुराण है, ग्रंथ पंथ है, उसका एकमात्र प्रतिपाद्य महातात्पर्य आप सुने अभी। एक को वेद के शब्द में मैं बोल रहा हूँ, छांदों की उपनिषद के जिसको आप महावाक्य पढ़ते हैं तत्वमसि इत्यादि, उसका पहला वाक्य है क्या, सदैव सौम्य इदम् अग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, अभी आपने सुना। यही महातात्पर्य है सत्य शंकराचार्य जी का, यही सिद्धांत है। केवल अद्वैत के नाम से आप लोग सुनते हैं, तो ये भगवान शंकराचार्य जी का अपना नहीं है, ये पूर्व वक्त उन्होंने बताया, मैंने वो वेद का सिद्धांत है सत्य। व्यक्ति हमारे यहाँ प्रमाण नहीं है, शंकराचार्य जी ने चूंकि वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद की बात कही है इसलिए वो प्रमाण है। और आज भी जो भी गुरु पद पर प्रतिष्ठित है, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित है, उसका यही दायित्व तो है, तभी वो आचार्य है, नहीं तो वो आचार्य नहीं है। वह अगर अपने संप्रदाय और ग्रंथ के अनुसार कहता है तब वो आचार्य है, व्यक्ति कोई प्रमाण नहीं है। तो ये बात बहुत मैंने गंभीर है, बहुत ही कठिन है। तो अद्वैत ही उनका प्रतिपाद्य है सज्जनों, समस्त वेदों का। अब थोड़ी सी बात है इसमें सिद्धांत की, तो आपको दर्शन कराया, थोड़ी बात आजकल की भी करनी पड़ेगी सज्जनों। आजकल के जो मनचले लोग हैं, अभी आपने सुना आधुनिक जो भी युवा वर्ग है पढ़ता लिखता है, देश विदेश की संस्कृति से उसका दिल दिमाग अभिभूत है, तो वो लोग जो मैंने कहा था वेद शास्त्र की रीति से या सच्चे सद्गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के कारण अपनी मनमानी ही करना चाहते हैं, तो वो उनका सरल शब्दों में तो ये है, कोई लड़का है ऐसा समझ लीजिए, वैसे कहते तो महात्मा लोग लड़की को हैं, तो वो माता पिता के अनुसार गुरु के अनुसार जैसा आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, वैसा न करके
माता पिता गुरु ने तो उसको गीता पढ़ा दी जा सकते और गीता पढ़ करके वो धर्म भ्रष्ट या दुराचार करने लगे। तो जब माता पिता गुरु को समझाते हैं तो वो वही गीता का वाक्य बोलते, गुणा गुणे सुवर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो ये आजकल के जो बहुत वेद वेदांत को टीवी से पढ़ करके या सामान्य ग्रंथों से पढ़ करके जानते मानते हैं वो लोग ये कहते हैं, जो बात मेरे को कहनी थी, वो कहते हैं कि आत्मा या ब्रह्म जो तुम्हारा सिद्धांत है अद्वैत, तो वह तो निर्विकार है, असंग है, कूटस्थ है, वही मैं हूँ और अंतःकरण में, इंद्रियों में, व्यवहार में कुछ भी हो क्या उससे आ जाए, उसमें क्या आपको परेशानी है। सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, बिल्कुल सत्य बोल रहा है, इसमें तो कोई दोष ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है सत्य, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्यों गलत है, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसका प्रमाण यही है कि वेद का जो उपनिषद का मंत्र है वो स्वयं इस बात को कह रहा है। कठोपनिषद का मंत्र है, ना कृतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता प्रज्ञानी नहीं माप दुया, ये मूल मंत्र कह रहा है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कह रहे हैं, इसका पहला जो वाक्य है ना कृतो दुश्चरिता, जो व्यक्ति जो साधक जो भी कोई मनुष्य हो प्राणी हो वह दुराचार को पापाचार को अनाचार को अत्याचार को नहीं छोड़ता है तो वह प्रज्ञा से नहीं पा सकता है। ये बौद्धिक व्याख्यान नहीं है सज्जन, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको गुरु परंपरा संप्रदाय ये भगवान शंकराचार्य जी ने अपने गीता के भाष्य में भी कहा सज्जन, सर्व वेद शास्त्र का बड़ा भारी पंडित क्यों न हो लेकिन वो संप्रदाय नहीं है तो मूर्खवत उपेक्षणीय, ये शब्द लिखा सभा में ऐसा बोलना उचित नहीं होता है। तो इसलिए चूंकि अभी आप पूर्व वक्ताओं से ये बात सुन रहे थे तो इसीलिए मैंने ये बात रखी। तो ये तो मैंने मंत्र का कहा, हमारा वेद जो है सज्जनों वेद को वैसे मंत्र और ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदा ये सब बड़े बड़े शब्द हैं। मूल बात इसमें ये कहनी है कि संगीता भाग को जितने भी संसार के लोग हैं उसमें मुख्य है ऋग्वेद, आज का जो आपका पुरातत्व विभाग है वो भी सारे विश्व में सज्जन, केवल भारत का नहीं कह रहा हूँ, सारे विश्व के उनके शब्द हैं। संपूर्ण विश्व के यदि ग्रंथ खोजे जाए तो उनमें यदि सबसे पुराना कोई ग्रंथ है पुरातत्व विभाग की ओर से तो वो ऋग्वेद है उनके शब्दों। हम लोग तो वेदों को अब ऋषि मानते हैं साक्षात भगवान के, रामायण में भी जो सरल लोग पढ़ते हैं जाकि सहज श्वास श्रुति चारित ये लिखा हुआ है, परमात्मा का जैसे हम लोगों को जीने के लिए प्राणवायु चाहिए वैसे ही ये वेद को एक उत्पत्ति है, ये हमारी मान्यता है। लेकिन मैं कहना ये चाहता था कि वेद को ये आधुनिक लोग भी सबसे पुराना मानते हैं तो उसमें ऋग्वेद इसलिए मानते हैं कि ऋग्वेद में भेद है सज्जन, जैसे गद्य और पद्य में आप लोग पढ़ते हो, हिंदी में भी आप लोग देखते हो ना, कुछ चीजें पद बना करके दोहा चौपाई में लिखी जाती है और कुछ निबंध के रूप में गद्य के रूप में लिखी जाती है। तो इसी को समझो, ये जो पद्यात्मक लिखे जाते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं, नहीं उनको संगीता भाग कहते हैं, और जो गद्य के रूप में दिखाता है यजुर्वेद उसमें मुख्य है तो वो ब्राह्मण के रूप में उपलब्ध होता है। वैसे वहाँ अर्थ तो दूसरा है सज्जनों, वेद के मंत्र जो होते हैं उनका
प्रयोग कैसे हो यज्ञ में, इस अभिप्राय से ब्राह्मण लिखा गया है सज्जन। तो संगीता भाग को सब लोग प्रमाण मानते हैं, ब्राह्मण और आरण्यक को ये भाई वैदिक सनातन धर्म की मान्यता है, उसको कब प्रमाण मानते हैं अथवा नाग भाव से जोड़ते हैं ये तो पंडितों ने लिख दिया है, लेकिन ये मंत्र का मंत्र लिख नहीं, ये वेद सज्जनों हमारा कोई किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। हम लोगों की मान्यता तो ये है कि ईश्वर भी इसका कर्ता नहीं है। वेद का रचयिता जैसे रामायण के रचयिता तुलसीदास जी हैं, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं, वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि हैं, ऐसे वेदों का भी कोई योग ये नहीं है सज्जन। वेदों का कोई रचयिता नहीं है, फिर कहाँ से आ गए, क्या हो गया? ऋषयो मंत्र दृष्टार, ये साक्षात ऋषियों को रितंभरा प्रज्ञा के द्वारा ध्यान में प्राप्त हुआ है। उस समय हो गया, आज मैं तो बोल नहीं जाऊँगा, बात मेरे को इतनी ही कहती सज्जन हो, जो अभी मैंने कहा ना निरतो दुश्चरिता ना संतो ना समाहिता ना प्रज्ञा ने नैन मापनुयात, ये मंत्र है और इसी को आप लोग छांदों के उपनिषद में पढ़ते हैं, तो ये सरल है और आपका सुना हुआ है। देव नारद जी वहाँ जाते हैं सज्जनों, आप लोग तो नारद जी की बड़ी भारी महिमा सुनते हैं, छांदों के उपनिषद के सातवें अध्याय में लिखा हुआ है, सोहम भगवत सोचामी, सनत कुमारों के पास में सनत सनातन सनातन सनत कुमार जिनको आप लोग जानते हैं वे वहाँ गुरु हैं ऋषि हैं, और नारद जी जाते हैं शिष्य बन करके काय के